हेलो एवरीवन, वेलकम। डॉक्टर अंबेडकर चेयर दर्शन शास्त्र विभाग पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और विचार पर ग्रीष्म अवकाश के दौरान चार वेबिनारों की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। आज 6 जून को होने वाले पहले वेबिनार का विषय है थेरवाद बुद्धिज्म और डॉक्टर अम्बेडकर के नियो बुद्धिज्म के बीच अंतर। इसमें विषय प्रवेश चेयर प्रोफेसर डॉक्टर रमेंद्र करवाएंगे। वेबिनारों की इस श्रृंखला को बुद्धिवादी फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया है एंड दीज वेबिनार्स आर बीइंग मॉडरेटेड बाय पटना डायरी। मैं डॉक्टर रमेंद्र को बुलाने के पहले डॉक्टर अंबेडकर चेयर की प्रियंका कुमारी को बुलाना चाहूंगी, जो हमारे सामने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के ऊपर एक संक्षिप्त पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के जीवनी पे कुछ उनकी प्रमुख घटनाओं पे अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रही हूँ। भीमराव रामजी अंबेडकर और भारत को संविधान देने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश जुलाई 1913 में भीमराव न्यूयॉर्क पहुंचे। भीमराव को उनके जीवन में प्रथम बार महार होने की वजह से नीचा नहीं देखना पड़ा। उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से पढ़ाई में मशगूल कर लिया और मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री और 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपने शोध नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर आम्बेडकर अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई के लिए अमेरिका से लंदन गए और बड़ौदा सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी और उन्हें वापस बुला लिया गया। महासत्याग्रह यह बाबा साहब अंबेडकर के जीवन का सबसे पहला सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह में हजारों की संख्या में दलित लोग सम्मिलित हुए थे। सभी लोग महाड़ के चौदार तालाब पहुंचे और अंबेडकर ने प्रथम अपने दोनों हाथों से उस तालाब पानी पिया। फिर हजारों सत्याग्रहियों ने उनका अनुकरण किया। यह अंबेडकर का पहला सत्याग्रह था। मनुस्मृति। डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति को ब्राह्मणवाद की मूल संहिता मानते थे। यह किताब द्विजों को जनजात श्रेष्ठ और पिछड़ों दलित एवं महिलाओं को जन्म के आधार पर निकृष्ट घोषित करती है। पिछड़े दलितों एवं महिलाओं को एकमात्र कर्तव्य द्विजों और मर्दों को सेवा करना बताती है। मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जलाया गया था। जाति का विनाश। जाति का विनाश डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद है। 1936 में जात पात तोरक मंडल ने उन्हें बतौर सभापति बुलाया था, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर भाषण की प्रति के पढ़ने के बाद जात पात तोरण मंडल ने पहले भाषण बदलने की मांग की और जब बाबा साहब नहीं माने तो सम्मेलन ही रद्द कर दिया गया। बाद में बाबा साहब ने अपने खर्चे पर भाषण की प्रतियां को छपवाई। उसी बुक का नाम आज के टाइम में जाति का विनाश है। बाबा साहब अंबेडकर के बौद्ध धर्म की ओर। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर के महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन किया। उन्होंने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया और बाबा साहब की मृत्यु सन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। अब मैं डॉक्टर रमेंद्र को आमंत्रित करती हूँ, जो कि चेयर प्रोफेसर हैं अंबेडकर चेयर के, और इसके अलावा वो HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी पटना यूनिवर्सिटी के। सो डॉक्टर रमेंद्र हमें विषय प्रवेश देंगे। इस वेबिनार में उपस्थित सभी साथी, चेयर प्रोफेसर बनने के बाद डॉक्टर अंबेडकर चेयर दर्शन शास्त्र विभाग पटना विश्वविद्यालय के मंच से यह मेरा पहला संबोधन है। विषय पर आने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान 1 अप्रैल 2020 से हमें अगले आदेश तक डॉक्टर अंबेडकर चेयर प्रोफेसर बनाया गया। 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी। आमतौर से हम इसे धूमधाम से मनाते, लेकिन लॉकडाउन के कारण यह संभव नहीं हो सका।
अब हमने ग्रीष्म अवकाश के दौरान आज से शुरू कर 4 शनिवारों को डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और विचार पर एक एक घंटे के 4 वेबिनार आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह इस श्रृंखला में पहला वेबिनार है। इस वेबिनार का विषय है थेरवाद बुद्धिज्म और डॉक्टर अंबेडकर के नवबौद्ध धर्म निया बुद्धिज्म के बीच अंतर। थेरवाद से मेरा मतलब है पाली बुद्धिज्म, जिसके ग्रंथ त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक पाली में हैं, जिसे महायानियों ने हीनयान का नाम दे दिया। लेकिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के विचारों को जानने के लिए स्कॉलरशिप की दृष्टि से यह बुद्ध के विचारों के सबसे करीब है। थेरवाद की विशेषताएं हैं, एक, वेद को प्रामाणिक न मानना, स्वतंत्र चिंतन पर बल, 2, गैर ईश्वरवाद, 3, अनात्मवाद, 4, ब्राह्मणवाद, चातुर्वर्ण्य या वर्ण व्यवस्था का विरोध, और 5, 4 आर्य सत्यों में विश्वास। पहला दुख सत्य है, 2 कारण सत्य है, 3 निरोध सत्य है और 4 मार्ग सत्य है। अब हम देखें कि डॉक्टर अंबेडकर का नवबौद्ध धर्म या निया बुद्धिज्म क्या है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपनी पत्नी डॉक्टर शारदा कबीर और लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया था। मई 1956 में अंबेडकर ने बीबीसी लंदन से प्रसारित एक इंटरव्यू में कहा था, हिंदू धर्म में ईश्वर में विश्वास है, बौद्ध धर्म में ईश्वर में विश्वास नहीं है। हिंदू धर्म में आत्मा में विश्वास है, बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा का अस्तित्व नहीं है। हिंदू धर्म में चातुर्वर्ण्य और जाति व्यवस्था में विश्वास है, बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था और चातुर्वर्ण्य के लिए कोई जगह नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म में 3 ऐसे सिद्धांतों का संगम है जो और किसी भी धर्म में नहीं। 1, प्रज्ञा, अंधविश्वास और अति प्रकृतिवाद के विरुद्ध ज्ञान, नॉलेज, करुणा या कंपैशन और समता या इक्वालिटी। डॉक्टर अंबेडकर की द बुद्धा एंड हिज धम्मा का प्रकाशन पहली बार उनकी मृत्यु के बाद 1957 में हुआ। इसे हम निया बुद्धिज्म का मूल ग्रंथ मान सकते हैं। इस ग्रंथ से ये बात समझ में आती है कि डॉक्टर अंबेडकर ने थेरवाद बुद्धिज्म के निम्नलिखित सिद्धांतों को स्वीकार किया है। 1, वेदों की प्रामाणिकता से इनकार, उन्होंने धर्म को वैज्ञानिक बनाने पर बल दिया है। 2, गैर ईश्वरवाद या निरीश्वरवाद, 3, अनात्मवाद, 4, ब्राह्मणवाद, चातुर्वर्ण या वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध, 5, अष्टांगिक मार्ग का स्वीकार। जहां तक अंतर का सवाल है तो डॉक्टर अंबेडकर ने अति प्रकृतिवाद सुपरनेचुरलिज्म को पूरी तरह अस्वीकार किया है। 2, पुनर्जन्म की व्याख्या उन्होंने इस तरह से की है कि वह सही अर्थों में पुनर्जन्म रह ही नहीं जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बुद्ध ने यह माना है कि हमारा शरीर 4 तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, आग और हवा। जब मानव शरीर की मृत्यु होती है तो इन 4 तत्वों की मृत्यु नहीं होती, ये अंतरिक्ष में तैरते हुए ऐसे ही अन्य तत्वों से मिल जाते हैं। जब ये 4 तत्व आपस में फिर से मिलते हैं तो एक नया जन्म होता है। अंबेडकर के अनुसार बुद्ध का पुनर्जन्म से यही तात्पर्य था। यह जरूरी नहीं कि ये सारे तत्व एक ही मृत शरीर से निकले हों, ये अलग अलग मृत शरीरों से निकले हुए भी हो सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बुद्ध भौतिक द्रव्य के नवीनीकरण में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में नहीं। उनके अनुसार इस तरह व्याख्या किए जाने पर
बुद्ध के विचार विज्ञान के अनुरूप है। तीसरा, कर्म या कर्मवाद की अंबेडकर की व्याख्या भी ऐसी है कि वह परंपरागत अर्थ में कर्मवाद नहीं रह जाता। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बुद्ध के कर्मवाद का पिछले और अगले जन्मों से जुड़े कर्मवाद से कोई संबंध नहीं है, जिसके आधार पर समाज में गैर बराबरी को सही ठहराया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बुद्ध के कर्मवाद का अर्थ मात्र इतना है कि कर्म का परिणाम उसके बाद आना अनिवार्य है। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा। तो संक्षेप में ये है थेरवाद और डॉक्टर अंबेडकर के न्यू बुद्धिज्म के बीच मुख्य अंतर। एक मानवतावादी दृष्टि से देखने पर हमें यह मालूम होता है कि अन्य धर्मों की तुलना में बौद्ध धर्म थेरवाद बुद्धिवाद मानवतावाद के अधिक करीब है। हालांकि इसमें भी सभी धर्मों की तरह आस्था फेथ परलोकवाद में विश्वास और उपासना पूजा का तत्व है। डॉक्टर अंबेडकर की व्याख्या ने नियोबुद्धिज्म को बुद्धिवाद और मानवतावाद के और अधिक करीब ला दिया है। फिर भी थेरवाद की तरह ही नियोबुद्धिज्म में भी बुद्ध की मूर्ति की पूजा होती है। बुद्ध को अक्सर यह बोलते हुए उद्धृत किया जाता है कि मेरे विचारों को जांचने परखने के बाद ही स्वीकार करो। बुद्ध की शिक्षाओं के बावजूद बौद्ध धर्म में बुद्ध के विचारों को अंतिम सत्य मानने की प्रवृत्ति पाई जाती है। धन्यवाद। मैं अगला मिसेस साजिदा खातून को इनवाइट करूंगी बोलने के लिए, जो लखनऊ एरम डिग्री कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक रमेन नाथ सर, चेयर पर्सन ऑफ अंबेडकर चेयर पटना यूनिवर्सिटी, टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज इन दिस टॉपिक। जैसे अभी सर ने बताया अपने विषय प्रवेश में कि बौद्ध मत जो है और अभी अंबेडकर का बीच की तुलनात्मक अभी हम लोग यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे, तो मैं बुद्ध को आत्मविश्वास नहीं रखता और इसलिए हम वहां पे एक कंसेप्ट यूज करते हैं नो सोल थ्योरी या अनात्मवाद। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में अधिकांश जो दार्शनिक हैं वो आत्मा के अस्तित्व को शाश्वत मानते हैं, मतलब इस तरह से जो आत्मा है उसको सत्ता के पुनर्जन्म के विचार को वो जीवित रखती है। यदि आत्मा का अर्थ स्थायी तत्व से में विश्वास रखना है तो बुद्ध जो है इस चीज को नकारते हैं और उनका बुद्ध के मत को इसीलिए हम अनात्मवाद कहते हैं। उदाहरण दिया कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं एक संसार की सबसे सुंदर स्त्री को पसंद करता हूँ, उसे पाना चाहता हूँ, तो हम अगर हमसे ये कहें कि ठीक है भाई वो कैसी है, कहाँ रहती है, क्या नाम है, कुछ बताइए उसके बारे में, तो उसके जवाब में हमें ना मिलता है। वो व्यक्ति यही कहता है कि मुझे नहीं पता कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, वो मेरी कल्पना में है। मतलब ये कि वो केवल हमारी कल्पना में है, उसका अस्तित्व वास्तव में नहीं है। तो वो कहते हैं कि ठीक यही कंसेप्ट आत्मा का भी है कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा एक कष्ट रहित लोक में रहती है, तो वो कहते हैं मैं ये पूछना चाहता हूँ लोगों से कि क्या आपने कभी भी उस लोक को देखा है या जो लोग वहां पे रहते हैं उनसे आप कभी मिले हैं, क्या एक दिन के लिए भी कभी या एक क्षण के लिए भी कभी आपने उस एकांत और सुखी आत्मा को देखा या जाना है, तो उसका जवाब नहीं होता है। तो ये अपने आप में प्रमाणित हो जाता है कि आत्मा जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। या ये कह लो कि इसको हम दृष्टि का बंधन कह सकते हैं और इससे बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। तो वो ये कहते हैं कि अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि आत्मा है और अगर मैं ये जवाब दूं कि नहीं जीवात्मा नहीं है, तो ये उच्छेदवाद हो जाएगा, और अगर मैं ये कहता हूं कि हाँ जीवात्मा है तो ये शाश्वतवाद हो जाएगा।
और बुद्ध का मानना ये था कि असली आत्मा बुद्धि के विकल्पों के द्वारा गम्य नहीं होती, मतलब ये बुद्धि का प्रश्न ही नहीं है आत्मा जो है। बौद्ध मत के अनुसार आत्मा अनित्य है, एक अस्थाई शरीर और मन का संकलन मात्र होता है। तो जैसे नदी का जल है जो जिसकी बूंदें लगातार बदलती तो रहती हैं, नदी के जल में परिवर्तित होती रहती है, लेकिन उसमें एक एक आत्मता बनी हुई होती है, ठीक वैसे ही जो मन है हमारा वो बदलते रहने के बाद भी उसमें आत्मा में एक मैता बनी रहती है। अर्थात आत्मा जो है वो विज्ञान का प्रवाह है, मतलब स्ट्रीम ऑफ सेल्फलेसनेस। तो यहाँ पे बुद्ध जो है वो क्षणिक आत्मा की सत्ता को तो स्वीकार करते हैं और उनके अनुसार आत्मा जो है वो चेतना का ही प्रवाह है। तो नागसेन ने इसका एक उदाहरण दिया कि जैसे हम कहते हैं रथ, तो रथ का कंसेप्ट अपने आप में रथ कंप्लीट नहीं है, उसकी अधूरी है, पहिया है, उसकी जो रस्सी होती है, इन सबके मिले हुए स्वरूप को हम रथ का नाम देते हैं। ठीक वैसे ही आत्मा जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन आत्मा केवल जो पांच स्कंध हैं उनका संयुक्त नाम आत्मा है, और वो पांच स्कंध जो है वो है रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और चेतना, जिसे विज्ञान को यहाँ पे चेतना उन्होंने माना है। तो इन स्कंधों के आघात के जो परिवर्तनशील होते हैं उसके कारण उन्होंने आत्मा को भी परिवर्तनशील ही मान लिया है बुद्ध ने। अब एक बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि अगर आत्मा परिवर्तनशील है तो फिर बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की व्याख्या कैसे हो सकती है, क्योंकि बौद्ध गौतम बुद्ध जो थे वो पुनर्जन्म के कंसेप्ट को उन्होंने माना था, आत्मा को नकारा था। तो वो ये कहते हैं कि नित्य आत्मा का निषेध करके उन्होंने पुनर्जन्म की व्याख्या सिर्फ इसी आधार पर की थी कि उनका मैं कोट करना चाहूंगी परिभाषा बुद्ध की कि ब्रह्मांड परिवर्तनीय है, पल प्रतिपल इसकी ऊर्जा बदलती रहती है, पुरानी ऊर्जा क्षीण होती है और उसकी जगह नई ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है। मतलब कि वर्तमान जीवन का की जो अंतिम अवस्था है उससे भविष्य के जीवन की जो प्रथम अवस्था होती है उसकी उत्पत्ति होती है उसके स्थानांतरण से, उस ऊर्जा के स्थानांतरण से। तो आत्मा का जो कंसेप्ट अनात्मा अनात्मवाद जो है बुद्ध के द्वारा दिया गया उसका कंसेप्ट तो यही था, और आगे जाके इसी को लेकर उन्होंने पुनर्जन्म की भी व्याख्या की थी। तो मुझे बहुत शॉर्ट टाइम में अपनी एक बात कहनी थी, तो मेरे ख्याल से तो मैं डॉक्टर विजेता सिंह जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी पटना यूनिवर्सिटी में, मैं उनको आग्रह करूंगी कि वो आकर अपनी बात रखें। हमारे आज के वेबिनार का विषय है थेरवाद बुद्धिज्म और अम्बेडकर के नव बौद्ध धर्म के बीच अंतर। धर्म दर्शन की दृष्टि से अंबेडकर के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी हिंदू धर्म का त्याग। डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में हिंदू धर्म त्याग दिया। उनका स्टेटमेंट मैं कोट करना चाहूंगी, ऑल्दो आई एम बोर्न एज हिंदू बिकॉज आई हैड नो कंट्रोल ओवर इट बट आई विल नॉट डाई एज हिंदू बिकॉज आई डू हैव कंट्रोल ओवर इट। हिंदू धर्म त्यागने के बाद उन्होंने विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया और इसी क्रम में उन्होंने त्रिपिटक विनय सुत्तरविदम पढ़ा और बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़कर वे इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करने का निश्चय किया। अपना एक लेक्चर व्हाई आई लाइक बुद्धिज्म में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, आई प्रेफर बुद्धिज्म बिकॉज इट गिव्स थ्री प्रिंसिपल्स इन कॉम्बिनेशन विच नो अदर रिलीजन डज। All other religions are bothering themselves with God, soul, and life after death. Buddhism teaches pragya. It means understanding as against superstition and supernaturalism. It teaches karuna. It means love and compassion for all human beings. It teaches samta, equality. This is what pragya, karuna, and samta. This is what a man wants for a good and happy life on earth. These three principles of Buddhism make their appeal to me. These three principles should also make an appeal to world. Neither God nor soul can save society.
इस प्रकार अंबेडकर का मानना था कि जिंदगी जीने के लिए और खुश रहने के लिए न तो किसी ईश्वर का ज्ञान जरूरी है और न ही आत्मा या मृत्यु के बाद के जीवन का, जरूरी है तो सिर्फ प्रज्ञा, करुणा और समता। और इस प्रकार 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर अंबेडकर अपनी पत्नी और लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। हमें ज्ञात है कि बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था, थेरवाद या हीनयान और दूसरा महायान। बाबा साहब ने न तो हीनयान को चुना और न ही महायान को, वो इससे आगे जाकर अपना एक नया यान, नवयान स्थापित करते हैं। नवयान बौद्ध धर्म का एक नया संप्रदाय है, इसके अनुयायी अंबेडकरवादी बौद्ध होते हैं और इन बौद्धों का अंबेडकर द्वारा निर्धारित 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य होता है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन समारोह में दिया था। थेरवाद के बारे में डॉक्टर रामेन सर ने अपने लेक्चर में बहुत कुछ बताया है, इसलिए मैं नववाद पे फोकस करूंगी। नवयान संप्रदाय में बुद्ध की मूल शिक्षाओं के साथ केवल विज्ञानवादी एवं तर्क संगत सिद्धांतों को ही लिया गया है। न्यू बुद्धिज्म में जाति प्रथा, वर्ण भेद, लिंग भेद, अंधविश्वास और कुरीतियों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया। थेरवाद बुद्धिज्म प्रारंभिक या पारंपरिक बौद्ध धर्म के सबसे करीब है। अंबेडकर ने थेरवाद के मुख्य सिद्धांतों को तो स्वीकार किया, जैसे उन्होंने चार आर्य सत्यों को माना है, अनिश्वरवाद को स्वीकार किया है, अनात्मवाद को माना है, अष्टांगिक मार्ग को अपनाया है और वर्ण व्यवस्था का खंडन किया है। थेरवाद की कुछ बातों से डॉक्टर अंबेडकर को एतराज था, जिसमें प्रमुख थी अंधविश्वास और अति प्राकृतिकवाद। इसके अतिरिक्त थेरवाद या हीनयान को एक छोटी यान कहा जा सकता है, जो कि आत्म केंद्रित है और जिसमें व्यक्तिगत मुक्ति की प्रणालियों पर ज्यादा जोर दिया गया है, जबकि नवयान थेरवाद से बहुत आगे जाते हुए केवल व्यक्ति या मनुष्य की ही नहीं, बल्कि उसके जितने भी समुच्चय हैं, चाहे वो समाज, राष्ट्र या विश्व हो, उसके लिए एक आधुनिकतम दृष्टि देता है। भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया से गुजरते समय डॉक्टर अंबेडकर ने यह महसूस किया कि अगर भारत के लिखे हुए संविधान के पीछे बौद्ध धर्म का और बुद्धा की टीचिंग्स, जैसे अहिंसा, दया, करुणा, प्रेम, समता इत्यादि को का नैतिक आधार नहीं होगा, तो एक अच्छा संविधान होने के बावजूद इस देश में संवैधानिक मूल्य नहीं टिक पाएंगे। उनका लिखा मूल ग्रंथ बुद्धा एंड हिज धम्मा वास्तव में गौतम बुद्ध प्रणीत मूल बौद्ध धर्म की आधुनिक व्याख्या है। आज समाज जिन संकटों का सामना कर रहा है, उसका समाधान भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिल सकता है, और इसी कारण उन्होंने बुद्ध धर्म में प्रविष्ट हो चुके अंधविश्वासों और बुराइयों को अलग करके उसे मानव जाति के लिए एक नए रूप में उपलब्ध कराया, जिसे हम आज नवयान, न्यू व्हीकल या न्यू बुद्धिज्म कहते हैं। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी डॉक्टर जियाउल हसन को, जो कि मगध महिला कॉलेज के एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी के। सबसे पहले तो धन्यवाद दूं आप लोगों का, डॉक्टर अमिंद रिसर्च ऑफिसर बैठे हुए हैं, कुलेश मांझी जी, मेरी कुछ कलीग्स विजेता थी, रंजना यादव को भी देख रहा हूँ। बहुत कुछ विजेता ने कह दिया और सर ने भी, प्रोफेसर रमेंद्र ने भी अपने संभाषण में कह दिया विषय प्रवेश में, लेकिन फिर भी न्यू बुद्धिज्म पर बोलने के लिए मैं आप लोगों को फिर 14 अक्टूबर 1956 की सुबह नागपुर ही ले चलूंगा। 5 लाख लोगों का वहां मजमा लगा हुआ है और डॉक्टर अंबेडकर के जो सारे समर्थक हैं और जो सीनियर मोस्ट भिक्खु हैं, वो पूछते हैं अंबेडकर से कि किस फोल्ड में, महायान में या हीनयान में, विजेता ने बताया नवयान में। तो फिर वहाँ वो भिक्खु पूछते हैं और बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं कि न हीनयान न महायान, नवयान में दीक्षित होना है, ए सॉर्ट ऑफ न्यू बुद्धिज्म। तो एक तो ये शब्द यहाँ से आ गया जो न्यू बुद्धिज्म का हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं और उस पर बहस कर रहे हैं। और फिर वही 3 शब्द, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि,
और बाबा साहेब का धर्म परिवर्तन होता है और फिर वो मुखातिब होते हैं अपने 4 या 5 लाख लोग, कुछ किताबों में है कि उस दिन 4 लाख थे और कुछ किताबों में ये भी है कि अगले दिन फिर 1 लाख लोग हुए थे। बहरहाल 5 लाख मजमा वो हम लोग मान सकते हैं। तो वहाँ फिर वो मुखातिब होते हैं अपने फॉलोवर से और वो सिर्फ एक ही लाइन में पढ़ूंगा, वो कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जो न केवल मानवता के लिए हानिकारक है बल्कि मानवता की उन्नति के लिए हानिकारक है क्योंकि यह समानता पर आधारित है और बौद्ध धर्म को मैं अपने धर्म के रूप में अपनाता हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा। और मुझे याद आ रहा है कि जब दरभंगा हाउस में सर हम लोगों को ये पढ़ाते थे, प्रोफेसर रमाशंकर आर्य जी आज शायद नहीं है, तो वो एक शेर पढ़ा करते थे, वो मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। यहाँ मुझे याद आ रहा है कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, शायर बशीर बद्र का शेर है। तो एक तो ये बात हो गई कि वो क्यों परिवर्तन हुआ, यानी हम ये मान सकते हैं कि नव बौद्ध धर्म मुख्य रूप से जाति व्यवस्था और हिंदू धर्म के खिलाफ एक विद्रोह है। अब जब विद्रोह है तो धर्म परिवर्तन हो गया, अब उन्होंने एक किताब लिखी बाबा साहेब अम्बेडकर ने और वो धर्म परिवर्तन के पहले की लिखी हुई किताब है, द न्यू बुद्धिस्ट बाइबिल, द बुद्धा एंड हिज धर्म। तो अम्बेडकर के वक्त में जो लोग थे ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट वो क्यों मानने लगे इसको, उन्होंने अप्रूव नहीं किया और जो इसमें द बाइबिल शब्द जुटा हुआ है उससे भी कुछ भ्रांतियां हो सकती थी। तो फिर फाइनली वो अब हम लोगों के सामने है, अम्बेडकर ऑन बुद्धा एंड हिज धर्म इस रूप में है और ये आदि ये ग्रंथ हम मान सकते हैं न्यू बुद्धिज्म का। एक ये बात है कि ये कहाँ से इसके पृष्ठभूमि, इसके नामकरण का और कौन सी किताब इसके पीछे है, वो यहाँ तक बात आ गई। इसके पहले कि अब हम लोग नव बुद्धिज्म का क्या मेटाफिजिक्स है, उसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, एथिक्स क्या है, एथिक्स पे कुछ बात हो भी गई, दोहराना प्रासंगिक नहीं होगा, लेकिन एक बौद्धिक बेईमानी ये होगी कि हम सीधे 56 पर आए और उसके पीछे की बातों को याद नहीं करें। आप तो लगभग सभी लोगों को, आप लोग इस बात से अवगत होंगे कि अशोक के बाद भारत में बुद्धिज्म का एक जो डिक्लाइन, एक पतन हो गया था, वो फिर 19वीं सदी में ही होता है और उसके कुछ कारण थे। एक कारण तो ये था जो सर ने भी अपने संबोधन में कह दिया कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था और जो डॉगमास हिंदुइज्म के, कुछ यूरोपियंस ने पढ़ना भी शुरू किया और अट्रैक्ट होने लगे बुद्धिज्म की तरफ, एक वो बात रही। और फिर जो दलित सेक्शन है हमारा उस वक्त के भारत और आज भी, वो इसकी तरफ, उसका रुझान बुद्धिज्म की तरफ बढ़ता गया और वो नव बुद्धिज्म की तरफ आए। कुछ नाम बहुत ही मुख्तसर अंदाज में बता देना होगा, एक H.S. ऑलकॉट और H.P. ब्लावत्स्की थे जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे और उन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी के साथ मिलकर काफ़ी काम किया कि कैसे डिप्रेस्ड क्लासेस को हम उसका एलिवेशन कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर कुछ नाम ऑलकॉट के साथ ज्योति बॉस और तमिल, उनके कुछ तमिल साथी डॉक्टर पी लक्ष्मी नरसु अप्पादुरई एम सिंगर अलवेलु, ये लोग भी हैं। और इसमें एक और नाम जुड़ता है एवी रामास्वामी पेरियार का, उन्होंने तो इरोड में 1954 में एक बुद्धिज्म कॉन्फ्रेंस भी कर लिया। इन सब का प्रभाव पड़ा। और बिहार की बात करें नॉर्थ इंडिया में, तो महाबोधि सोसाइटी ने कुछ पब्लिकेशन शुरू किए जर्नल्स का, बोधि जर्नल का, इन सब का भी प्रभाव पड़ा। और तब फिर 1956 पर हम लोग आते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर, बाबा साहेब अम्बेडकर पर, जिन्होंने मास कम्युनिकेशन न्यू बुद्धिज्म का को संपादित किया 1956 में। और उस वक्त से बहुत कुछ बदला है, चूंकि समय बहुत कम है तो सिर्फ एक लाइन उनका मैं भी कोट करना चाहूँगा, हालांकि सर का आदेश था कि हिंदी में ही बोलना है, लेकिन उन्हीं की ये युक्ति ही है कि सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द मटेरियल गेन्स, आवर स्ट्रगल इज फॉर ऑनर, फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट, नॉट ओनली फॉर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस अलोन। तो बात यहाँ तक आई, ये सारी वजह बनी है। नव बुद्ध धर्म के प्रतिपादन होने में 1956 से पहले एक तारीख इम्पोर्टेंट है, अक्टूबर 13, 1935।
येवला नासिक में अनटचेबल्स जो है हमारे अछूत हैं उस वक्त की भाषा में, उस वक्त की शब्दावली में जिनको कहा जाता था, उनका एक कॉन्फ्रेंस होता है और वहाँ वो लोग ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि द डिप्रेस्ड क्लासेस शुड लीव द हिंदू फोल्ड एंड ज्वाइन सम अदर रिलीजन दैट गिव्स सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी टू देम। ये नासिक की ये बात थी। और फिर 1936 आता है एक दूसरा टर्निंग पॉइंट, पुणे में 12 जनवरी 1936, वहाँ विचार ये इमर्ज हुआ, वहाँ ये बात होने लगी कि हम किसी नए रिलीजन को अंगीकार कर लें, इससे अच्छा है कि कोई नया धर्म शुरू करें या कोई ऐसा भारतीय धर्म हो इंडियन फोल्ड का जो आर्यों के आने के पहले का हो और यूज प्रचलन में हो। तो ये विचार 1936 में आया, 12 जनवरी 1936 को पुणे में, और फिर हम लोग 56 पर आते हैं जहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ जुड़े हुए हैं, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट प्रियंका ने अपने स्लाइड में दिखाया भी था, और एक और किताब है मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, ये कुछ नए लोगों को पढ़नी चाहिए किताब, दिल करे तो। हालांकि मैं जानता हूँ कि दिल में ये सारी बातें नहीं आती हैं कि किताबें पढ़ी जाएँ, लेकिन फिर भी जावेद अख्तर ने तो कहा ही था कि कभी कभी दिल में ख्याल आता है, तो बहरहाल उस अंदाज से भी कभी अगर मौका मिले तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा जा सकता है। अब मैं आता हूँ कि क्या मेटाफिजिक्स रहा, नौ बौद्ध किस तरह के मेटाफिजिक्स में विश्वास करते हैं। नौ बौद्ध जो हैं वो आत्मा और ईश्वर की अवधारणा से साफ इनकार करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना है कि आत्मा की अवधारणा पर आधारित धर्म अटकलों पर आधारित, और जो चीज मौजूद है वो आत्मा नहीं है बल्कि माइंड है, मन है, और मन आत्मा से अलग है। नौ बौद्धों का ये मानना है कि चेतना आत्मा नहीं है, चेतना जन्म के साथ पैदा होती है और मृत्यु के साथ मर जाती है। एक बार जब चेतना पैदा हो गई तो मनुष्य एक भावमय प्राणी जिसमें सेंटिमेंट्स हैं वैसा एक प्राणी बन जाता है। फिर दूसरी बात है कि वो अलौकिक अस्तित्व में, किसी भी प्रकार के अलौकिक अस्तित्व में नौ बौद्ध विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नौ बौद्धों का यह स्पष्ट मानना है कि मनुष्य ही इस ब्रह्मांड का केंद्र है। और फिर डॉक्टर अम्बेडकर ये भी देखते हैं कि आदमी को जो फ्रीडम हासिल है, वो आदमी जो फ्री है, मुक्त है, उसका खंडन होता है अगर हम किसी अलौकिक सत्ता में विश्वास करें। उन्हीं के शब्द हैं कि वॉट इज द यूज ऑफ मैन्स एग्जिस्टेंस if he is not free, what is the use of man's intelligence if he continues to believe in supernatural causes? तो इस तरह अम्बेडकर बुद्ध के संदेश की नास्तिक व्याख्या करते हैं। वह मनुष्य की स्वतंत्रता के खिलाफ जाने वाले हर अलौकिक कारणों का खंडन करते हैं। अलौकिकता में उनका विश्वास नहीं है, सीधे साधे शब्दों में ये अम्बेडकर ईश्वर के व्यक्ति के रूप में, जो हम व्यक्तिगत ईश्वर, पर्सनल गॉड, फिलोसफी के लोग ज्यादा समझेंगे, जो पर्सन है, पर्सनल गॉड, उसके विचारों को भी अम्बेडकर नहीं मानते। इसलिए कि अम्बेडकर ये देखते हैं कि पर्सनल गॉड, व्यक्तिगत ईश्वर मान लेने पर बहुत सारे अंधविश्वासों और हेर फेर, मैनिपुलेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसके लिए जगह बन जाती है, और फिर अंधविश्वास और पीड़ा दूर करने के लिए फिर बहुत सारी दिक्कतें सामने होती है। तो वो इन सब चीजों को नहीं मानते हैं, यानी ईश्वर के रूप में वो नहीं मानते हैं किसी सत्ता को। इसके स्थान पर वो प्रज्ञा को मान लेते हैं, प्रज्ञा तर्कसंगत और वैज्ञानिक तरीके से प्रज्ञा के बुद्ध के शिक्षण में उसे प्राथमिकता दी है। फिर मानव, अब एपिस्टेमोलॉजी पे थोड़ी सी बात कर लें, वो मानव सत्य कोई निरपेक्ष सत्य है, कोई एब्सोल्यूट सत्य है, वो ये भी नहीं मानते हैं। एब्सोल्यूट कोई चीज नहीं है, वो ये मानते हैं कि ह्यूमन ट्रूथ वो व्यक्तिगत किसी, कोई भी आदमी कोई जो जजमेंट लेता है, कोई निर्णय लेता है, वो किसी कंडीशंस में, किन्हीं हालात के तहत लेता है। इसीलिए जो डेमोक्रेटिक अप्रोच है वो ये है कि वो रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म
उसके आधार पर वो ले, यानी इट्स डेमोक्रेटिक अप्रोच इज बेस्ड ऑन रैशनलिज्म एंड इम्प्लिसिज्म दैट ह्यूमन रीजन एंड एक्सपीरियंस शुड कंट्रोल द इंडिविजुअल्स होल लाइफ। ये एपिस्टेमोलॉजी के रूप में हम नौ बौद्धों का एपिस्टेमोलॉजी इस रूप में समझ सकते हैं। और फिर एथिक्स पे तो पहले बात हो ही गई कि मोरालिटी सेंटर्ड रिलीजन है, तो इसमें एक युक्ति आरसी प्रसाद का है अम्बेडकरिज्म में, वो लिखते हैं कि टू डॉक्टर अम्बेडकर रिलीजन बिकम्स ए क्रूएल सुपरस्टिशन व्हेन मैन एंड मोरालिटी सीज टू बी द सेंटर ऑफ रिलीजन सिंस देयर इज नो गॉड, मोरालिटी मस्ट बिकम द लॉ ऑफ लाइफ एंड सीज टू बी ए मेयर आइडियल। तो ये कुछ उनके दार्शनिक विचार मैंने बहुत ही संक्षेप में इसको रख दिया। अब मैं डॉक्टर सुषमा कुमारी को आमंत्रित करूंगी अपनी बात कहने के लिए, जो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर है। आप सभी को मेरा नमस्कार एवं गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर सुषमा कुमारी, सहायक प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग, जीजे कॉलेज रामबाग बिहटा, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना से हूँ। सबसे पहले मैं अपने गुरु प्रोफेसर रमेंद्र सर, जो कि वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष एवं डॉक्टर आम्बेडकर चेयर के चेयरपर्सन हैं, उनके प्रति तहे दिल से आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे इस वेबिनार में सहभागी होने और अपना मत रखने का सुनहरा मौका प्रदान किया। आपका बहुत बहुत आभार सर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वेबिनार का विषय वस्तु थेरवाद बुद्धिज्म और डॉक्टर आम्बेडकर के नव बौद्ध धर्म के बीच अंतर है, और हमसे पूर्व डॉक्टर प्रोफेसर रमेंद्र, डॉक्टर विजेता मैम और जियाउल सर ने इस पर बहुत ही स्पष्ट ढंग से दोनों में अंतर बताया, और मुझे लगता है कि और कुछ मेरे लिए बचा ही नहीं स्पष्ट करने के लिए। फिर भी मुझे भी 5 मिनट का टाइम सर ने दिया है, और मैं अपनी बात डॉक्टर आम्बेडकर के नव बौद्ध धर्म पर संक्षेप में रखना चाहती हूँ। 20वीं सदी में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर द्वारा बुद्ध और उनका धर्म में बौद्ध धर्म की जिस तरह से व्याख्या की गई है, उसे ही भीमयान या बौद्ध धर्म कहा जाता है। नव बौद्ध धर्म में जाति प्रथा, वर्ण भेद, लिंग भेद, अंधविश्वास तथा कुरीतियों का कोई स्थान नहीं है। डॉक्टर आम्बेडकर ने यूं ही बिना पर्याप्त चिंतन मनन के बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया था। बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले उन्होंने लगभग 21 वर्षों तक इस विषय पर चिंतन एवं शोध किया, और यह जानने की कोशिश की कि ऐसा कौन सा धर्म है जहां ऊंच नीच, जात धर्म और छुआछूत का भेदभाव नहीं बरता जाता है, और जहां सभी व्यक्तियों को एक समान सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार प्रदान करता है। डॉक्टर आम्बेडकर 1935 से ही हिंदू धर्म से दूर जाने लगे थे, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की कि वे हिंदू के रूप में पैदा तो लिए हैं, लेकिन हिंदू के रूप में मरेंगे नहीं। जब हिंदू समाज के समता और मानवता के रूप में साधारण अधिकार हासिल करने के प्रयत्न असफल होने लगे, तब डॉक्टर आम्बेडकर ने सोचा कि किसी ऐसे धर्म को अपनाना जरूरी है जो अछूतों को समान प्रतिष्ठा, समान अधिकार और समान न्याय संगत व्यवहार दे। वे अपने समर्थकों को स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि सिर्फ ऐसे ही धर्म को चुने जिसमें समानता, प्रतिष्ठा, समान अधिकार और समान व्यवहार में।
विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात डॉक्टर आंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि इस दृष्टि से बौद्ध धर्म सर्वश्रेष्ठ है। अंततः 24 मई 1956 को बुद्ध जयंती के अवसर पर आंबेडकर ने औपचारिक तौर से यह घोषणा की कि वे अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। वास्तविक धर्म परिवर्तन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में हुआ। डॉक्टर आंबेडकर ने अपनी पत्नी और लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। धर्म परिवर्तन के बाद डॉक्टर आंबेडकर ने यह घोषणा की कि असमानता और शोषण पर आधारित अपने हिंदू धर्म को त्याग कर मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हो गया है। अवतारवाद के दर्शन में मेरी कोई आस्था नहीं। यह कहना गलत और शरारतपूर्ण है कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे। अब मैं हिंदू देवी देवताओं का भक्त नहीं हूं। मैं श्राद्ध नहीं करूंगा। मैं पूरी तरह बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर चलूंगा। बौद्ध धर्म एक सत धर्म है और मैं ज्ञान, सम्यक मार्ग और करुणा के सिद्धांत के मार्गदर्शन में अपना जीवन जीऊंगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि डॉक्टर आंबेडकर का नव बौद्ध धर्म वस्तुतः भारतीय सामाजिक संरचना में सम्मानहीन, पशुवत, अमानवीय जीवन जीने को मजबूर, हाशिए के लोगों की जिंदगी की स्थिति के उत्तरदायी कारणों की पड़ताल एवं विश्लेषण है, जिसमें बाबा साहेब के स्वयं का जीवन भी शामिल है। धन्यवाद। मैं फिर शिवा नाज को आमंत्रित करती हूँ, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी पटना यूनिवर्सिटी की। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार मेरा बौद्ध धर्म ना तो महायान होगा और ना ही हीनयान होगा। इन दोनों संप्रदायों में कुछ अंधविश्वासी बातें हैं, इसलिए मेरा ये बौद्ध धर्म नवयान बौद्ध धर्म होगा, जिसमें किसी बुद्ध के मूल सिद्धांत और केवल विवेकवादी सिद्धांत ही होंगे। कोई भी कुरूतियों या अंधविश्वास नहीं होगा। यह एक शुद्ध धर्म बौद्ध धर्म होगा, शुद्ध बौद्ध धर्म होगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार धर्म को अगर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसे बुद्ध के अनुरूप रहना होगा, जो विज्ञान का ही दूसरा नाम है। यहाँ पे मैं कुछ बातों का चर्चा करना चाहूंगी कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों हिंदू धर्म छोड़ने का प्रयास किया, उन्होंने उसका क्या कारण था। तो ऐसे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन मैं उनके कुछ तीन कारण का वर्णन करना चाहूंगी यहाँ पे। एक तो उनके बचपन की घटना है, जो उनके अछूत होने की वजह से उनके नाई का बाल नहीं काटना, इस वजह से उन्हें काफी आहत पहुंचा ये बात। दूसरा, उनका जब उनके पिता रिटायर होने के बाद वो गोरे गांव में कैशियर का काम करते थे, तो उन्होंने वहां पे उनको बुलाया था और स्टेशन के पास उनको कोई गाड़ी वाला बिठाने को तैयार नहीं हुआ, छोड़ने को तैयार नहीं हुआ, सिर्फ एक महार जाति होने के वजह से। पूरी रात वो भूखे प्यासे भाई बहन के साथ बिताया। तो इस बात का जिक्र वो करते हैं कि एक जाति की वजह से हिंदू धर्म में उनको किस तरह इस चीज का दुख एहसास हुआ। और तीसरा, जब वो विदेश से पढ़ के वापस आए तो उनकी जॉब वडोदरा में लगी और वहां उन्हें किराए पे मकान नहीं मिला उनके जाति होने की वजह से। तो उन्होंने पारसी बनकर एक पारसी धर्मशाला में रहने का फैसला किया, जो कि थोड़े दिन बाद ही ये चीज पता चल गई और उन्हें निकाल दिया गया। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। इसके बाद उन्होंने वडोदरा में रिजाइन दे दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि उन्होंने ये हिंदू धर्म में जाति
और इसकी वजह से और जो वो उसमें थे तो उसका कितना सामना करना पड़ा उनको। इसलिए उनका कहना है कि हिंदू समाज में समता और मानव के रूप में साधारण अधिकार हासिल करने के प्रयत्न असफल होने लगे, तब अंबेडकर ने सोचा कि किसी ऐसे धर्म को अपनाना जरूरी है जो अछूतों को समान प्रतिष्ठा, समान अधिकार और न्याय संगत व्यवहार दे। इस तरह हम देखते हैं कि मई 1956 में अंबेडकर की एक बीसी लंदन में प्रसारित हुई वार्ता में उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म को इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि हिंदू धर्म में ईश्वर में विश्वास है, बौद्ध धर्म में ईश्वर में नहीं है। हिंदू धर्म में आत्मा में विश्वास है, बौद्ध धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में चतुर्वर्ण और जाति व्यवस्था में विश्वास है, बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था और चतुर्वर्ण के लिए कोई जगह नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार ईश्वर और आत्मा को नकारने तथा नैतिकता पर बल देने के लिए बौद्ध धर्म की प्रशंसा करते हैं और उनके अनुसार प्रज्ञा, करुणा और समता जिनकी शिक्षा एकमात्र बौद्ध धर्म देता है मनुष्य के अच्छे और सुखी जीवन के लिए पर्याप्त हैं। थैंक यू जी। एक क्वेश्चन आया है कि भगवान बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया था? अब देखिए इसका जो ट्रेडिशनल जो उत्तर है वो बुद्ध चरित में आया है तो उस पे, लेकिन हो सकता है कि ये थोड़ा ड्रामेटाइज इवेंट हो क्योंकि जैसे बुद्ध ने दुख का कारण माना है जरामरण, ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ, तो ये कहानी उसमें ये है कि क्योंकि उनके जन्म के समय ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि या तो ये राजा बनेगा या सन्यासी बन जाएगा, तो उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जाता था। तो लेकिन ऐसा हुआ कि एक बार वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा, पहली बार एक बीमार को देखा, फिर एक पहली बार ओल्ड को देखा, फिर एक बार उन्होंने डेथ बॉडी देखी और फिर उसके बाद एक बार उन्होंने प्रव्रजक अनुश्रमण जो लोग घर वाले छोड़कर निकल जाते हैं उसको देखा। तो ये जरा मरण जो उनका कारण जो उन्होंने दुख का बताया है, तो इसके कारण से वो कि दुख क्या है और दुख का क्या कारण है और इसको कैसे मिटाया जा सकता है, इसकी तलाश में ही उन्होंने गृह त्याग किया। ये तो है पहले ट्रेडिशनल, और डॉक्टर अम्बेडकर का वर्जन डिफरेंट है। उन्होंने कि वो कुछ वॉर के अगेंस्ट थे और वॉर होने की बात थी इस कारण। पूजा सक्सेना ने पूछा है कि 1956 तक बाबा साहेब ने धर्म परिवर्तन क्यों नहीं किया, 1956 में ऐसी क्या घटना हुई? अब उसके लिए वो लगातार काफी पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम, मैं हिंदू में पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू में मरूंगा नहीं। ये तो उन्होंने याला कॉन्फ्रेंस में ही घोषित कर दिया था और बाद में फिर जैसे अभी जिक्र आया था जात पात तोड़क मंडल पे जो उन्होंने दिया था अपना जाति का विनाश, वो अध्यक्ष भाषण था उसका अंग्रेजी में एनाइलेशन ऑफ कास्ट, तो वो उसके अंत में यही आया था कि मैं हिंदू में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन हिंदू में मरूंगा नहीं। तो वो लाहौर जात पात तोड़क मंडल जो है वो रिफॉर्मिस्ट थे तो वो इसको हजम नहीं कर पाए तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दिया और फिर अम्बेडकर ने अपने पैसे से उसको छपवाया जिसपे उनका गांधी के साथ फिर विवाद चला। लंबे समय से एक प्रक्रिया चल रही थी और वो अपना विचार कर रहे थे विभिन्न धर्मों में के बारे में अध्ययन कर रहे थे, सोच रहे थे कौन सा करें और अल्टीमेटली उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। एक प्रश्न बार बार आ रहा था कि मध्यम वर्ग और अति प्रकृतिवाद में क्या संबंध है, इसका उत्तर है कोई संबंध नहीं। मैं अब डॉक्टर हुलेश मांझी को आमंत्रित करूंगी जो कि रिसर्च ऑफिसर हैं डॉक्टर अंबेडकर चेयर डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी पटना यूनिवर्सिटी के, धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए। विद्वान गुरुजनों को, सभी प्रतिभागी पार्टिसिपेंट के विद्वान जनों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर अंबेडकर चेयर, हुलेश मांझी डॉक्टर अंबेडकर चेयर उत्तराधिकारी पटना विश्वविद्यालय पटना, आप सभी को वेलकम, स्वागत और धन्यवाद आभार
करते हुए गर्वान्वित महसूस हो रहा है। ये लॉकडाउन के पीरियड में कोरोना महामारी के दौरान सभी विश्वविद्यालय बंद पड़े हैं और हमारे यहाँ ग्रीष्मकालीन बर्खास्त की घोषणा भी हो गई है। ऐसे में हम सभी को एक साथ डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन दर्शन या हमारा जो भी आज वर्तमान टॉपिक था थेरवाद और बुद्धिज्म और डॉक्टर अम्बेडकर के नव बौद्ध के बीच अंतर, ये नव बौद्ध धर्म के बीच अंतर पर बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई, जिसके लेकर के डॉक्टर अम्बेडकर चेयर प्रोफेसर प्रोफेसर रविंद्र नाथ सर ने विषय प्रवेश करवाया। इससे पहले प्रियंका हमारे यहाँ अधिकारी हमारे डॉक्टर अम्बेडकर चेयर में कार्यरत हैं और उन्होंने उनके जीवन दर्शन का वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जाकर इस प्रकार ये अच्छी जानकारियों को साजिदा खातून प्रोफेसर हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से, उन्होंने भी हम लोग को इसमें अपनी अद्भुत और इनके विषय वस्तु से आत्मा और परमात्मा संबंधित कई जानकारी हम लोगों के बीच शेयर किया। हम लोगों को इसके संबंध में और अधिक जानकारी कि किस प्रकार विवेकवादी सिद्धांत या नवबुद्ध विबुद्धिज्म कैसे बौद्ध धर्म से या अन्य कई धर्मों को कैसे उन्होंने सबको पढ़ा समझा परखा और फिर नवबुद्ध ही रास्ता अपनाया और उसमें हिंदू धर्म से छोड़ने का बहुत ही स्पष्ट सर करते हैं, बहुत ही बारीकी से बताते हैं कि कैसे अन्य धर्मों के तहत डॉक्टर अम्बेडकर मानते हैं कि सभी धर्मों में कुछ न कुछ त्रुटियां देखते हैं, सभी धर्मों में कुछ न कुछ कमी पाते हैं कि हमारे धर्म जो है अम्बेडकर नव बौद्धों को अपनाने के लेकर के चाहे वो गुरु ग्रंथ पढ़े हो या बाइबिल पढ़े इस्लाम धर्म को अध्ययन किया, सभी धर्मों के अध्ययन के बाद बौद्ध धर्म का अध्ययन या बौद्ध धर्म की शुरुआत के लिए जियाउल हसन प्रोफेसर मगध महिला कॉलेज विश्वविद्यालय है, उन्होंने बता रहे थे कि इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर को 1926 में 1913 में कई दृष्टांत उन्होंने बताया कि उस बीच उन्होंने स्पष्ट किया कि ये बौद्ध धर्म शायद हिंदू धर्म की था जो भी आडंबर है, जो चुनौती है, जो वैज्ञानिक के धरातल के खड़ा नहीं उतरता है, उसको लेकर के उनके मन में आशंका पहले से बन गई थी, क्योंकि हिंदू धर्म में जो गैर बरा हिंदू धर्म में जो ईश्वरवाद हिंदू धर्म में जो समानता पुनर्जन्म जातिवाद गैर बराबरी है वर्ण व्यवस्था उनको लगता था कि ये हम लोगों को एक वर्ग में ही गैर समानता की वजह से बचपन से शोषण का शिकार हुए, चाहे वो जाति भेद का दंश उनके अंदर था, रंग भेद वर्ग भेद तमाम जो जातिवाद का दंश उनको इतने अंदर झकझोर रखा था, तो वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म की तरफ और यह सभी धर्मों को जानकर समझकर बौद्ध धर्म को ही अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म में जिस प्रकार हमको अभी ये विजेता मैम जो प्रोफेसर हैं दर्शन शास्त्र विभाग में पटना विश्वविद्यालय, उन्होंने बारीकी से बताया कि जिस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर ने उस धर्म नीति का त्रिपिटक कई जो है थेरवाद में को आगे जा कर के बुद्धिज्म से मिलता जुलता है, तो वो बुद्धिज्म और अम्बेडकर बात कहिए जो पूरी तरह या तो उनकी 22 प्रतिज्ञाएं को देखिए या उनके विज्ञानवादी सोच को देखिए, वो पूरी तरह वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है, रंगवाद के खिलाफ है, आत्मवाद के खिलाफ है। तो हमें हम सबों को लगता है कि ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि एक एक करके सब लोगों ने इनके और इस विषय वस्तु को लेकर अपनी पूरी जानकारी हम लोगों के बीच शेयर किया। ये मैडम विजेता मैम को धन्यवाद, जियाउल सर को बहुत बहुत धन्यवाद, सुषमा मैम भी आकर के पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में है
उन्होंने भी ये हम लोगों के वेबिनार में अपना अमूल्य योगदान दिया। इसमें कई विश्वविद्यालय के लोग जुड़ गए और कई राज्य के लोग जुड़े हैं, चाहे वो पवन सर हैं, अरुण सोरकर सर हैं, अभी रामजीत मैडम हैं, दर्शन शास्त्र के कई शोध पदाधिकारी, कई रिसर्च सर, डॉक्टर रंजन सर हैं, ललित कुमार सर हैं, जाकेश सर हैं, सुनीता राप्ती हैं, स्वाति नांगे हैं, मिलन साहब हैं, वेबिनार में सक्रिय रूप से और विजुअल रूप से उपस्थित होकर वेबिनार सेमिनार का कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी योगदान दिया है। इसलिए अभी सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ये सबसे बड़ा धन्यवाद के पात्र हैं प्रिया जी, उन्होंने पूरी सेमिनार का काफ़ी देख रेख और उनके मार्गदर्शन में ये संभव हो पाया, और सब लोगों ने अपने अच्छे सुझाव दिए। और आगे मैं सूचना देना चाहूँ कि ये चार प्रत्येक शनिवार होना है, तो ऐसे में फिर 13, 20 फिर 27 पड़ता है शनिवार, तो जिस प्रकार मार्गदर्शन आएगा चीफ प्रोफेसर रविंद्रनाथ सर का, उसके अनुसार अगले वीक भी शनिवार होना है। तो ये हम लोग पूरे मंथ डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन दर्शन पर आधारित वेबिनार सेमिनार का आयोजन होना है, जिस प्रकार एक एक छोटे छोटे जानकारियों को शेयर किया सर ने, और कई साथी तो कई राज्य के थे, मध्य प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश के थे, कई साथी महाराष्ट्र के थे, तो उन लोगों ने जैसे श्रीलेखा कुमारी वर्धा महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से थी, स्मृति थी, पिंकी थे, सुनील थापे थे, कई राज्य के लोग थे, जो मीनू जैन थे यूपी मध्य प्रदेश से, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। समीक्षा साथी थे आप डॉक्टर मिलन थे, मास्के थे, सुरुचि पमार थे, महेंद्र भगत थे, मिलन पांके थे, सुमन कुमारी जी थे, संतोष राम थे, पूजा सक्सेना थे, आराधना सिंह थी, ज्योति कुमारी जी थे, ऐसे करण सिंह थे, भीम सिंह सिंह थे, आशुतोष आनंद थे, भीम सिंह चंदेल थे, निवेदिता मैम जो शोध पदाधिकारी है उज्जैन मध्य प्रदेश डॉक्टर अम्बेडकर चेयर में, इंदू जी थे, कुमारी नेहा दास थे, श्रीवास्तव थे, रंजन मिश्रा थे, डॉक्टर महेंद्र थे, मंसूर खान थे, कपाला कामदे थे, साजा बेनीवाल थे, ये लोगों ने ये कार्यक्रम में पूरी तरह शामिल होकर के हम लोगों को आभार व्यक्त करते हैं उनके प्रति, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये पटना विश्वविद्यालय डॉक्टर अम्बेडकर चेयर की जिम्मेवारी लेते हुए लेने के बाद प्रोफेसर रविंद्र सर ने ये लॉकडाउन के तुरंत बाद, तो लॉकडाउन तो है ही, अनलॉक वन चल रहा है, इसी दौरान उन्होंने ये पहला वेबिनार का सफल आयोजन किया है। उसके लिए पूरे पार्टिसिपेंट साथियों को और उसमें सहयोग देने वाले सभी पदाधिकारीगण, शिक्षक विद्वजन सभी को प्रणाम, आभार, चंदन वंदन, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप सब जुड़े हैं, और आप सबको जुड़ने के लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ सर। बंद करने के पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि नॉर्मली तो जब कोई प्रोग्राम होता है तो हम लोग एक ग्रुप फोटो क्लिक करा लेते हैं, पर क्योंकि ये ऑनलाइन है तो हम लोग अगर अपना वीडियो ऑन कर लेंगे सारे लोग, तो मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूं। अगर डॉक्टर अंबेडकर चेयर से कनेक्ट होना है और उसकी आगे की गतिविधियों के बारे में जानना है, तो हमने एक ईमेल आईडी भी डाला है, आप उस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। थैंक यू।